सीकर जिले के गांव लाडपुर मलिकपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को शहर में आक्रोश रैली निकाली। रैली कृषि उपज मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। यह रैली गांव लाडपुर में दबंगों द्वारा दलित समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा करने व रास्ता बंद करने की विरोध में और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर निकाली गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के दबंगों ने उनकी पुश्तैनी जमीन का रास्ता रोककर कब्जा कर लिया और रास्ते को बंद कर दिया। जब ग्रामीण रास्ता बंद करने का विरोध करते हैं तो दबंग उच्च जाति के लोग उन्हें जाति सूचक गालियां निकालते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए धमकी देते हैं। रास्ता बंद होने से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कई बार रिंगस थाना पुलिस को की है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ग्रामीणों की सुनवाई नहीं कर रही। ग्रामीणों ने विधायक महादेव सिंह खंडेला पर आरोप लगाया कि गांव के दबंग लोगों को खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये राजस्व ग्राम लाडपुर मिलपुर है, जिसकी तहसील है रिंगस। उस गांव में मलाई समाज के ऐसी के लोग हैं, उन लोगों का रास्ता 100 साल पुराना रास्ता है, रास्ता नक्शे में कटा हुआ है, गैर मुमकिन रास्ता है। उसके बावजूद खंडेला विधायक की दादागिरी से अपने लोगों द्वारा उन्होंने रास्ते में तारबंदी करके भलाई समाज का रास्ता बंद करवा दिया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, वोट बैंक का षड्यंत्र था कि कैसे इन लोगों को मजबूर किया जाए ताकि हमें वोट दे सकें, इसलिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। इन्होंने इसकी शिकायत रिंगस तहसीलदार को की, एसटीएम साहब को की, मौका देख के चले गए, लेकिन रास्ता नहीं खोला गया। आप जान सकते हैं कि जब रास्ता ही बंद हो गया तो आना जाना दुब्र हो गया, महिलाओं का आना जाना बंद हो गया, मजदूरी करने कहाँ जाएं, कैसे जाएं, लोगों के खेतों से ये गुजर रहे हैं। कहने का मतलब ये एक सरासर खुली दादागिरी है, नेतागिरी है, जिसमें इन्होंने विधायक का पावर दिखाया, लोगों उनके इशारे पर यह सब कर रहा है। ये गलत है, ऐसी समाज पर ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। आम आदमी, गरीब और ऐसी के जो भी लोग हैं, हम अपना खुद संघर्ष करेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। विधायक उनकी पैरवी कर रहे हैं, जिसकी वजह उनके कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दबंग लोग विधायक की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें रोब दिखाते हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन ने समय रहते उनकी सुनवाई नहीं की तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे और उनका धरना कलेक्ट्रेट पर लगातार जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आरोपियों पर कार्यवाही नहीं करने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर एडवोकेट गोकुल चंद, डॉक्टर बी एल एचरा, बनवारीलाल वर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुष मौजूद थे। पहले ये हुआ कि हमारा 200 बीघा हमारी जमीन है, उसमें 38-40 खातेदार है और उस 38-40 खातेदार का आम रास्ता एक ही है, मतलब सभी का जाने का रास्ता एक ही था। उस रास्ते को दबंगों ने, माफिया लोगों ने राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से उसके ऊपर कब्जा लिया। कब्जा करने के बाद हमने तुरंत शांति तरीके से गांव और प्रशासन को इकट्ठा किया और गांव को बोलने के बाद हम उनसे, गांव का भी अनुशासन होता है सर, गांव का अपना एक अनुशासन है, अपनी एक संविधान है, उस संविधान के तहत हमने कार्य किया। उसके अनुकूल उन्होंने जो है किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं है। जब हम लोगों ने फिर महादेव सिंह खंडेला के पास पहुँचे तो हमारे को पहली बार गए तो हमारे को आश्वासन मिला कि आपका रास्ता खुल जाएगा, मगर हम दोबारा जब पहुँचे तो अब उसी स्थिति में वही रास्ता उसी प्रकार से बंद कर दिया गया और दोबारा हमने जो है वहाँ तारबंदी करके ब्लॉक कर दिया गया। जब तारबंदी को खुलाने हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को इस प्रकार से प्रयोग किया गया, हमारी इस प्रकार की अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, वो एक असामाजिक है, वो सबके सामने नहीं बोलने वाला शब्द है। ये हमारे को बोला, हमारे को बोला धर्मपाल मूलचंद और भाईपाल, तीन बच्चे हैं उनके, पहले से जो उनके माता पिता हैं वो तो हमारे साथ पहले से भाईचारे से रह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम जो है नई पीढ़ी के लोग हैं उनको प्रॉब्लम है कि आप लोगों का मुंह देखने की वजह से हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। आप गंदे लोग हो, कुचले हो, गंदी नाली के कीड़े हो, आपकी वजह से हमारे के रिश्ता नहीं बन रहा। आप लोग सुबह पहले हमारे रास्ते से गुजरे। मेरा नाम बनवारीलाल वर्मा है, पिताजी का नाम मालाराम है, गाँव लाडपुर मलिकपुर है, तहसील रिंगस है, पुलिस थाना रिंगस है।